पास निकलते हैं तो बहुत सारे बच्चे भीख मांगते हैं, उन बच्चों को बात आ रही है, जब हाथ बंद रहते हैं, कांच खटखटा है, तो दिस हम लोगों को अच्छा अच्छा हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, की सुविधा है, हर चीज है, तो हमने भीख मांगना नहीं मांगना चाहिए। और इस टीवी का भी है, सभी का है कि आप लोग भीख नहीं मांगे, आगे चल के पढ़ के कुछ बने, और आप लोग भीख मांगे तो बड़ा दुख होता है। कल ही किसी ने ऐसे काम करी बेटे लेके, वो बहुत खट खट करके उन लोगों को डांटा, तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि अगर मैम ने इतना अच्छा कराया आप लोगों को, तो आप पढ़े लिखे और भीख नहीं मांगे, और अगर आपके माँ बाप कहते भी हैं तो उनसे कहना है भीख आगे चल के भीख थोड़ी ना मांगना है, जब पढ़ लिख के कुछ बने जाएंगे तो भीख का क्या काम है। इसीलिए शिक्षा का है कि आप दूसरों को देह दान करने के लिए, तो बस इतना सा है कि कृपया भीख नहीं मांगे। माता पिता गुरु, ठीक है, तो तीनों को सुबह गुरु जैसे घर में नहीं होते तो गुरु को प्रणाम कर लेते हैं, मन ही मन में जहाँ भी होंगे तो मन से उनको स्मरण कर देते हैं, और माता पिता हमारे पास ही होते हैं तो उनको चरण वंदन कर लेते करना है। तो सुबह माता पिता के पैर छूना है, पहला नियम है, समझ में आया? छूओगे मम्मी के पैर, छूओगे पापा के, छूओगे, हाँ, ये दो काम रोज सुबह उठते करना है। स्कूल में आओगे तो जो आपको पढ़ाती है मैम, ये आपकी गुरु है, पहले उनके पैर छुएंगे फिर अपनी जगह बैठोगे। तीन काम तुम याद कर लो तो तुम देश के लिए अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं कहना है। जय हिंद। जय भारत। जय माननीय अपनी बड़ी दीदी से अनुरोध करते थे, वो हमारे जो भी अतिथि घर आए हुए पुराने कुछ नए, उनको हमारे इस संस्कार केंद्र के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। हमारी बड़ी दीदी देश की अतिथि, हम लोग जिस जगह पे रह रहे हैं, हमारी एक अलग की जीवन शैली है और ये थोड़े से अलग है। हम लोगों ने भी, मैंने राजकुमार जी और रविंद्र दीदी ने यहाँ पे काम करने का इसलिए सोचा क्योंकि ये बच्चे वो बच्चे की पढ़ाई से कोई सरोकार नहीं। इसके अलावा भी दो और केंद्र चलते हैं। सबसे पहला केंद्र हमारा शुरू हुआ था जौहर नगर, जिसकी ये बच्चियाँ, इंदिरा नगर, जिसकी ये बच्चियाँ 18 साल पहले शुरू हुआ था, और वहीं की बच्चियों जब बड़ी हो गई तो हमने जौहर नगर खोला। वहीं की बच्चियाँ यहाँ पे पढ़ाने आई हुई हैं, और डेली गांव एक हंसराज है, वो हंसराज स्कूल के पास में है। वो भी एक ऐसी ही बस्ती है, सहारिया बस्ती, जिसके जो माता पिता हैं वो रोजनदारी पे रोज चले जाते हैं, बच्चों को पीछे छोड़ जाते हैं। तो एक छोटी सी कोशिश है एक आइडल प्रोजेक्ट दिखाने का सब लोगों को, समाज में, कि इनमें भी अगर कोई आके काम करता है इनके लिए, तो इनमें भी बहुत प्रतिभा है, ये भी बहुत आगे बढ़ चुके, बढ़ सकते हैं। और वही हमारी कोशिश रही है कि जो बच्चे पढ़ने का शौक रखते हैं उनको हम आगे भी पढ़ाते रहते हैं। और इसके साथ हमने एक चीज़ और जोड़ी, बस खाना खिलाना। 120 बच्चों को, दोनों संस्कार केंद्रों के 120 बच्चों को हम यहाँ भोजन दे रहे हैं, खिचड़ी देते हैं, 25 दिन जो वहाँ के होते हैं वर्किंग